हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 चैप्टर 1 प्रैक्टिस शीट 4 का सेकंड क्वेश्चन। हमें यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द सैंपल ऑफ ब्लू वाइट्राइओल। तो यहाँ पे जो वाइट्राइओल होता है ये हमारा एक्चुअल में कॉपर सल्फेट है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कॉपर सल्फेट होता है CuSO4.5H2O। तो हमें यहाँ पे ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 5 मॉलिक्यूल हैं इनकी परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म में मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। कॉपर का वेट होता है 63.5, सल्फर का वेट होता है 32, ऑक्सीजन का वेट है 16, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है। उसके बाद हमारे पास 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, एक पानी के मॉलिक्यूल का वेट होता है 18। तो ये सभी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी 63.5 + 32 + 64 + 19। ये सारी वैल्यूज आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 249.5 U। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया टोटल। अब आपने सिर्फ वाटर की परसेंटेज निकालनी है तो आप लिखोगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर टोटल वेट ऑफ वाटर इन द सैंपल। सैंपल में वेट है 90 और वैसे मॉलिक्यूलर वेट है 249.5। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 36.07%। तो ये हमारे पास हमारी परसेंटेज आ जाएगी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ब्लू बाई ट्रेवल में। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।